से देख सकती है एप्पल का iPhone 12, iOS का लेटेस्ट iOS 18 एंड इवन iOS 17.7 वाला जो अपडेट है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलते सेटिंग्स में और उसमें आपको दिखा देता हूँ जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रखे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कौन सा अपडेट करना चाहिए वो भी बता दूंगा। सो यहाँ पर 17.7 वाला अपडेट है जिसका जो अपडेट साइज़ है वो 716 मतलब 720 MB के आसपास है। और यहाँ पर iOS 18 भी अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं iOS 18। सो इस पर चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो iOS 18 जो है आपको बहुत सारे नए फीचर्स प्रोवाइड करता है और इसको आपको अपडेट करना चाहिए फिर नहीं, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों iOS 17.7 वाला जो अपडेट है उसके बारे में बताने वाला, तो ये एक रिकमेंडेड अपडेट है और ये यहाँ पर आप प्रोवाइड करता है आपको इंपॉर्टेंट बग्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स है। तो ये सिक्योरिटी अपडेट जो है आपको जरूर करना चाहिए। और इससे पहले का जो अपडेट चल रहा है वो 17.6 वाला चल रहा है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। 17.6.1 वाला जो अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करे और सो इसमें जो अभी देख सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में iOS 17.6.1 वाला अपडेट है। और सो अगर आपको अभी अपडेट करना है तो आप 17.7 पे जा सकते हैं। और सो मेरी तरफ से एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आप इसको डाउनलोड करें क्योंकि इसमें कोई बग्स वगैरह नहीं है और ये प्रॉपरली अभी फिक्सेस वाले एकदम प्रॉपर जो है 17.7 वाला जो अपडेट है। यहाँ पर ये स्टेबल वर्जन है, स्टेबल वर्जन iOS 18 का भी आ चुका है बट यहाँ पर स्टिल बग्स हैं। अगर आप इसको अभी अपडेट करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा इवन आपको फीचर्स तो मिल जाएंगे बट इशू आएगा क्योंकि अभी इसमें और अपडेट्स आने बाकी हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसको और अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको iOS 18 कर लीजिए। iOS 18.1 वाला जो अपडेट आएगा उसमें वो प्रॉपरली फिक्स कर दिए जाएंगे और भी बहुत सारे जिसमें बग्स हैं और सब कुछ कुछ जो फीचर्स हैं वो प्रॉपरली इसमें काम नहीं करते, तो वो एक रीज़न हो सकता है iOS 18 पे अपडेट ना करके, क्योंकि इससे क्या हो सकता है अगर रिकैलिब्रेट बैटरी होगी तो आपका बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप हो सकता है। ओवरऑल iOS 17.7 में आपका स्टोरेज भी कम रहेगा और दोस्तों अगर आपका 64 GB वाला वेरियंट है तो आप अभी फिलहाल इस पर जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। iOS 18 पे जाएंगे तो उसका जो अपडेट साइज है वो 3.8 GB है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 GB के आसपास यहाँ पर जो है आपको जो है डाउनलोड साइज देखने मिलेगा। यहीं पर ही अगर देखेंगे तो ये आपको 720 MB का जो है साइज मिलता है डाउनलोड का। तो दोनों में ही आप अपडेट तो कभी भी कर सकते हैं, iOS 18 पे भी जा सकते हैं iOS 17.7 को अपडेट करके भी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सो ओवरऑल आप iOS 18 पे जाना चाहते हैं तो उसके सारे फीचर्स इंजॉय कर सकते हैं बट स्टिल थोड़े बहुत वहाँ पर जो है ग्लिचेस वगैरह स्टिल हैं। तो iOS 18.1 में और सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर फीचर्स जो हैं वो उन्होंने प्रोवाइड करें, स्पेशल मूवमेंट और यहाँ पर देखेंगे कस्टमाइज और आईफोन जो आपको बताया था, होम स्क्रीन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन, कंट्रोल सेंटर को भी आप यहाँ पर प्रॉपरली जो है उसमें एड एंड रिमूव कर सकते हैं, पूरा एक्सेस जो यहाँ पर आपको दिया गया। iOS 18 में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, सफारी के, जनरल नोट्स, फोन्स एंड सो मच मोर। तो ये सारे आपको जो डिटेल्स हैं इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो और भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी ये एक अच्छा अपडेट है बट अगर आपको अभी फिलहाल iOS 17 पे रहना है, बैटरी प्रॉपरली चल रही है, तो दिस इज़ गोना बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। तो आप iOS 18 की जगह आप iOS 17.7 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल अभी iOS 17.7 पे ही जाने वाला हूँ और फीचर्स जो हैं iOS 18 के भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो भी आप यूज़ करना चाहें 17 और 18 दोनों ही आपको देखने में मिलेंगे। बाकी आपको यही देखना है कि कौन सा वाला आपको अपडेट करना चाहिए। अगर आपके लिए iOS 18 के फीचर्स मस्ट हैं तो आप जा सकते हैं iOS 18। ओवरऑल iOS 17.7 भी बहुत ही अच्छा अपडेट है, इसको भी कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहूं। और iOS 17 और 18 में आपको डिफरेंस बता ही चुका हूं कौन सा करना चाहिए वो आपके ऊपर है। और सो मैंने iPhone 12 की वीडियो चैनल पर डाली हुई है कि आपको इसे परचेज करना चाहिए नहीं इस बिग डे सेल पे, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।